हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी विल स्टडी पेज नंबर 59। लेट्स स्टार्ट। व्हाट एनिमल्स ईट। अब हम बात करेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं, अबाउट देयर फूड। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। देयर आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। दे आर काउस, गोट्स, हॉर्सेस, सीप, जिराफ्स, मंकीज, राइनोसेरसेस, डियर, rabbits, elephants, camels, mountain goats, etc. They are called herbivores. अलग अलग animals, इनका जो food होता है वो भी अलग अलग type का होता है. Different animals, different type के food खाते हैं. Animals जो कि plants खाते हैं, कुछ ऐसे animals होते हैं जो कि plants खाते हैं. इनके examples हैं आपके cows, goats, horses. ये सारे जितने एनिमल्स हैं ये सभी आपके प्लांट्स खाते हैं. ये हर्बीवोरस बोले जाते हैं. ये एनिमल्स हर्बीवोरस हैं, तो ध्यान रखिएगा, द एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स. सम एनिमल्स ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. दे आर एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, चीतास, वोल्व्स, foxes, hawks, golden eagles, cats, dogs and dolphins. They are called carnivores. तो वो animals जो flesh खाते हैं other animals का, flesh means meat, दूसरे animals का meat खाते हैं. वो animals आपके, ये सारे examples हैं, lion, tiger, ये सभी आपके वो animals हैं जो दूसरे animals का flesh खाते हैं, तो इनको carnivores बोलते हैं. ये एनिमल्स कार्निवोरस एनिमल्स हैं. देयर आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. दे आर बर्ड्स लाइक हेंस, क्रोज, एमस, ओस्ट्रिचेस, रॉबिन्स, हमिंग बर्ड्स, डॉग्स, स्वान्स एंड फ्लेमिंगोज. दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस. अदर एनिमल्स दैट आर ओमनीवोरस आर बियर्स, रैट्स, स्लॉथ्स, स्क्वेरल्स, रैकून्स, राइनोसेरसेस, हेजहॉग्स, एक्सेट्रा. तो सम एनिमल्स ऐसे भी, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं. ये आपकी कुछ बर्ड्स हैं तो बाकी एनिमल्स भी हैं. ये एनिमल्स ओमनीवोरस एनिमल्स बोले जाते हैं. सम एनिमल्स लाइक हाइनास, क्रोज, वल्चर्स एंड रेड वीवर्स एंड्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स. इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स की डेड बॉडी का फ्लैश खाते हैं. मीन्स जब कोई एनिमल मर जाता है, डेड हो जाता है, तो वो उनकी बॉडी के फ्लैश को खाते हैं. ऐसे एनिमल्स स्केवेंजर्स बोले जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स, फर्स्ट वन इज़ द हर्बीवोरस दैट ईट द प्लांट्स. सेकेंड वन इज़ द carnivores that eat the flesh of other animals. Next one is the omnivores, those who eat the plants as well as the flesh of other animals. And the next one is the scavengers that eat the flesh of dead animals. Why are animals important? अब हम बात करते हैं कि animals हमारे लिए important क्यों होते हैं. All animals are important. They help to maintain balance in nature. For example, if there will be no herbivores, there will be unnatural growth of grass and plants all around. Similarly, carnivores help to keep the number of herbivores in control. This is because if there will be too many herbivores, there will be scarcity of plants and trees on earth. Animals हमारे लिए बहुत important होते हैं. ये एनिमल्स हमारे नेचर में बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, नेचर में बैलेंस बनाए रहते हैं. एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई भी हर्बीवोरस एनिमल नहीं होगा तो ऐसे में जो ग्रास और प्लांट्स ग्रो होते जा रहे हैं ये बढ़ते चले जाएंगे. हर तरफ आपको प्लांट्स और ग्रास ही दिखाई देंगे. तो इन प्लांट्स और ग्रास को कंट्रोल करने का काम ये हर्बीवोरस करते हैं. ये उसको खाते हैं तो जिससे ये मेंटेन रहते हैं. इसी के अपोजिट, अगर कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो हर्बीवोरस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं.
क्योंकि कार्निवोरस एनिमल्स ये अदर एनिमल्स का मीट खाते हैं, तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स इनका फ्लैश खाते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ हर्बीवोरस कंट्रोल में रहता है। इससे अगर हर्बीवोरस एनिमल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो प्लांट पर की और ट्रीज ये दोनों अर्थ पर काफ़ी कम हो जाएंगे, या ये कहें ख़त्म हो जाएंगे। तो एनिमल्स वो हर्बीवोरस कार्निवोरस ये सब मिलकर के हमारे नेचर में बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, केयरिंग फॉर एनिमल्स। अब हम देखते हैं कि हम एनिमल्स का ध्यान कैसे रख सकते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल एनिमल्स, दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। हमें एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये एनिमल्स हम सभी लिविंग बींग्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब एनी एनिमल, पोकिंग और हर्टिंग एनिमल्स मेक देम स्केयर्ड एंड एंग्री, दे माइट अटैक अस इन डिफेंस। कभी भी किसी भी एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी एनिमल को हर्ट करते हैं, उसको कोई तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, तो वो डर जाता है और साथ में गुस्सा भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो खुद को बचाने के लिए, अपने डिफेंस के लिए हमारे ऊपर अटैक भी कर सकता है। और एनिमल्स बेटा अगर अटैक करेंगे तो वो हार्मफुल हो जाएगा, तो इसलिए एनिमल्स को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ह्यूमंस हैव क्लियर्ड फॉरेस्ट टू बिल्ड हाउसेज, दिस हैज़ रिड्यूस्ड द जंगल एरिया फॉर द वाइल्ड लाइफ, मैनी एनिमल्स हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट टू, वी शुड नॉट इनकरेज सच प्रैक्टिसेस। ह्यूमंस, इंसानों ने काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट को काट दिया है, ख़त्म कर दिया है, ताकि वो वहाँ पर अपने लिए रहने के लिए घर बना सकें। इस तरह से जंगल के कम हो जाने से जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर हैं, उनका घर छिन गया है। पहले वो वाइल्ड उन्हीं फॉरेस्ट में रहा करते थे, लेकिन अब फोन फॉरेस्ट को काट दिया गया तो उनसे उनका घर छिन गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम सभी के लिए घर ज़रूरी है, वैसे ही एनिमल्स के लिए भी घर ज़रूरी है। और एनिमल्स का घर जो है वो फॉरेस्ट में ही होता है, वो अपने नेचुरल प्लेस पर ही रहते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी तरह की ट्रीज कटिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल द पेज नंबर 59। ऑल ऑफ यू वॉच द वीडियो एंड प्रैक्टिस ऑफ इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।